अगर चीन विस्तारवाद का महत्वाकांक्षी है तो अमेरिका भी कम महत्वाकांक्षी नहीं है। चीन को काउंटर करने और खुद को दुनिया में सुपर पावर बनाए रखने की महत्वाकांक्षा के चलते अमेरिका न केवल चीन के खिलाफ खुद बड़े एक्शन ले रहा है बल्कि अपने साझेदार देशों के लिए अपनी नीतियों में बदलाव करके उन्हें राहत देने के साथ साथ हथियारों के मामले में भी खुली छूट दे रहा है। दरअसल चीन से तनातनी के बीच अमेरिका ने अपने उस आदेश में संशोधन किया है जिसका फायदा भारत सहित उसके दुनिया भर के साझेदार देशों को मिलेगा। अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों की रक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए 800 किलोमीटर से कम रफ्तार वाले मानव रहित विमान अनमैन्ड एयर व्हीकल को कैटेगरी 1 की जगह कैटेगरी 2 में माना है और इसके निर्यात को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी ड्रोन के निर्यात में इस संशोधन से न सिर्फ मध्य पूर्व में उसके सहयोगियों को लीबिया में चीनी लड़ाके ड्रोन्स का मुकाबला करने में मदद मिलेगी बल्कि भारत को भी प्रीडेटर बी आर्म्ड और ग्लोबल हॉक सर्विलांस ड्रोन्स अमेरिका से खरीदने में मदद मिलेगी। दोनों ही ड्रोन्स की स्पीड 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम है। इसका मतलब है कि 800 किलोमीटर प्रति घंटे से कम के रफ्तार वाले यूएवी पर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR यूएसए क्लाउज के तहत रोक नहीं रहेगी यानी अमेरिका के प्रतिबंध नहीं रहेंगे। अब भारत 800 किलोमीटर रफ्तार वाले ड्रोन्स को आसानी से खरीद पाएगा और ये भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर है क्योंकि खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन पहले ही CPAC और ग्वादर पोर्ट की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को 4 बिंग लूंग आर्म्ड ड्रोन की अब तक सप्लाई कर चुका है। ये ड्रोन 1000 किलोग्राम तक बम या एयर टू सरफेस मिसाइल को लेकर चलने की क्षमता रखता है क्योंकि ना ही चीन और ना ही पाकिस्तान MTCR का सदस्य हैं, इसलिए चीन को पाकिस्तान को इसके एक्सपोर्ट पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान इन ड्रोन्स का इस्तेमाल भारत पर नज़र बनाए रखने के लिए ही करेगा, लिहाजा भारत को भी पाकिस्तान के चीनी ड्रोन्स को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ज़रूरत है अमेरिका के प्रीडेटर बी आर्म्ड और ग्लोबल हॉक सर्विलांस जैसे ड्रोन्स की, जो न केवल पाकिस्तान की हरकतों पर पैनी नज़र रखें बल्कि ज़रूरत पड़ने पर अटैक भी कर सकें।